20 ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है जल्दी से। और भाई छुप के बैठे हुए थे यहाँ पे, और इनको बेसिक अटैक से डैमेज देता हूँ मैं। और ये गया भाई एक बंदा, सिंड्रेस गया इनका, देखो बेसिक अटैक से मारा दूसरे को भी, और ये भाई बबल से मार देते हैं, और भाई तीसरे को भी ख़त्म कर दिया। और इधर बहुत सारे प्लेयर आ चुके हैं, और भाई यहाँ पे ये सर्फ मारा, ये सर्फ और ये भाई सर्फ, ख़त्म भाई, बिल्कुल मेल्ट कर दिया। गेंगार अकेले लेने का ट्राई कर रहा है एक डेनो, और भाई ये सर्फ मारा और ये सर्फ मारा और ये गेंगार को भी ख़त्म कर दिया भाई, मेल्ट कर दिया पूरा। सो हेलो पोकेमॉन फैंस सर, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। और भाई आज के गेम प्ले में बताने वाला हूँ मैं सोलो कैरी बिल्ड, वो भी ग्रेनिंजा का। और भाई ग्रेनिंजा का सर्फ बिल्ड बताने वाला हूँ। और भाई यार ग्रेनिंजा का जो सर्फ है ना यार, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार, मतलब हद से ज़्यादा पावरफुल है, और बंदों को क्लोज में तो क्या ही मेल्ट करता है। तुम्हें पता है यार भाई, ग्रेनिंजा का जो क्लोज का पावर है बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज देता है वो। और यहाँ पे भाई इसको मैं बिल्कुल भी फार्म नहीं करने दूंगा। तो भाई यार मैं काफ़ी बार यार लोगों को मतलब फार्म देता हूँ, लेकिन भाई बंदे लास्ट तक बस फार्म ही करते रहते हैं भाई, पूरी हेल्प ही नहीं कराते मैच में, और पूरा मैच बिगाड़ देते हैं। इसलिए अब मैं इन पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे फार्म मैंने लिया क्योंकि ग्रेनिंजा को यार फार्म की ज़रूरत रहती है। तो ग्रेनिंजा अगर तुम लेते हो तो देखो, सोलो कैरी अगर ले रहे हो ना, तो भाई तुम्हें या तो भाई टॉप लेन में चले जाओ या फिर भाई फार्म लेने का ट्राई करो। और अगर कोई अच्छा बंदा तुम्हारी टीम में आता है तो चलो छोड़ो, फिर फार्म उससे लेने देना, लेकिन तुम टॉप लेन में तो जा ही सकते हो। कहने का मतलब है कि यार ग्रेनिंजा अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो फार्म कराना बहुत ज़रूरी है, और ग्रेनिंजा का जो डैमेज पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो भाई वो आसानी से भाई जल्दी जल्दी से फार्म कर सकता है। अब यहाँ यहाँ पे 20 आने वाली थी, तो वापस से पीछे हो जाता हूँ और यहीं पर वेट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर दो बंदे तो छुपे हुए थे, और अब देखो यहाँ पर क्या सीन होता है। तो भाई यहाँ पे मैं जाता हूँ और पहले हील ले लेता हूँ, क्योंकि अभी 20 आने ही वाली थी जस्ट, और इन्होंने मेरे को पीछे कर दिया था। अब जैसे यहाँ पे 20 आती है, देखो मैं यहाँ पे मतलब बेसिक अटैक से डैमेज देता हूँ, और इसी के साथ में देखो सिंड्रेस की हेल्थ, तुम यहाँ पे देखना भाई सिंड्रेस की हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसको बेसिक अटैक से मारा, और ये भाई बल्बसोर भी जाएगा, और ये भी देखो बबल से मार दिया भाई इसको भी। तो यार बेसिक अटैक का डैमेज ही तुम देख लो यार, ग्रेनिंजा का क्लोज में कितना ज़्यादा होता है। और अगर तुम स्मोक स्क्रीन यूज़ करते हो तो तुम एक तरीके से असेशन बन जाते हो, गायब हो जाते हो। और स्मोक स्क्रीन का जब तुम यूज़ करते हो ना, तो तुम थोड़ी देर के लिए इनविजिबल रहते हो, जब तक तुम अपना अटैक यूज़ नहीं करते किसी बंदे पे। और जैसे ही आप अटैक यूज़ करते हो, आप यहाँ पे विजिबल हो जाते हो, और मतलब इसका टाइमिंग भी थोड़ी देर के लिए रहता है, तो तब तक तुम भाग के निकल सकते हो भाई, आसपास के बंदों को तुम दिखोगे तक नहीं। तो भाई 1 HP पे भी अगर रहते हो तो भाई इस चीज़ से काफ़ी आसानी से बच के भाग सकते हो। तो यहाँ पे भाई सर्फ अपन ले लेते हैं, और ग्रेनिंजा का जो हेल्थ रहता है कम रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और भाई फार्म देखो यहाँ पे मैं करता रहता हूँ, तभी मुझे साइड में देखो यहाँ पे गार्चम दिख जाता है, मैंने सोचा चलो गार्चम को मारता हूँ, लेकिन गार्चम ऊपर की तरफ चला जाता है। तो भाई यहाँ पे मैं पलट के वापस आते ही हूँ कि तभी मुझे यहाँ पे सिंड्रेस दिख जाता है। मैंने यार यहाँ पे सर्फ तो यूज़ कर दिया था, लेकिन देखो इसको बेसिक अटैक से ही क्या है डैमेज दे रहा था मैं, और इसी के साथ में भाई इसको भी ख़त्म कर दिया। तभी मुझे बल्बसोर दिखता पास में, तो मैं साइड से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरी HP बहुत कम थी, और इस टाइम पर अगर मैं फाइट लेता तो पक्का मर जाता। तो भाई सबसे पहले बेरी ले लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हेल्थ हो गई थी, और इसी के साथ में यार यहाँ पे वापस से 20 आ चुकी थी, तो यहाँ पे स्मोक स्क्रीन का यूज़ किया। और वैसे तो ये कुछ ज़्यादा काम आता नहीं है, अगर तुम मतलब इसका छुपने के लिए यूज़ कर सकते सही तरीके से। और यहाँ पे देखो बल्बसोर को क्या खतरनाक वाला डैमेज दिया। अब यार सर्फ की खास बात ये है कि जब तुम इसका यूज़ करते हो ना, मतलब तो अगर सामने वाले को तुम इसका यूज़ करके मार देते हो, यानी उसकी HP कम रहती है, और तब तुम इसका यूज़ करते हो, तो तुम्हारा कूलडाउन रीसेट हो जाता है, यानी तुम सर्फ एक और बार यूज़ कर सकते हो। अगर तुम चार बंदों को भी मारोगे और चार बंदों को एक ही बार में सर्फ में ख़त्म कर दोगे, मतलब एक बंदे को एक बार सर्फ में ख़त्म कर दोगे, तो इसका कूलडाउन रीसेट हो जाएगा, यानी एक और बार तुम्हें सर्फ मिलेगा। और ऐसे करके भाई तुम मतलब सर्वो का बार बार यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हें बस उस टाइम पे मारना है जब बंदे की बिल्कुल कम HP हो, सर्फ से तुम इजी उसको ख़त्म कर दोगे, और तुम्हें एक और बार सर्फ मिल जाएगा। और सर्फ से मतलब जितने भी बंदे रहेंगे ना, उन सबको तुम एक साथ डैमेज दे सकते हो, क्योंकि भाई इसका एरिया डैमेज होता है। तो यहाँ पे देखो जो इनका गेंगार था यार, वो यहाँ पे भाई हमारा फार्म चुरा रहा था, तो मैं इसके पीछे जाता हूँ कि भाई इसको तो यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन भाई यार यहाँ पे ड्रीम ईटर का यूज़ कर रहा था, और इसकी HP काफ़ी ज़्यादा थी, और गेंगार भाई काफ़ी अच्छा खेल रहा था यार, यहाँ पे इसने मेरे को मार दिया। अब यहाँ पे यार मैं चाहता था यूनाइट चला सकता था, लेकिन मेरे को यूनाइट वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना था। और अब यहाँ पे नीचे की तरफ काफ़ी सारे बंदे थे, तो अगर यहाँ पे अगर मैं यूनाइट चला देता तो शायद से मैं नीचे वाले बंदों को मार देता, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अपना यूनाइट अभी बाद में काम आ जाएगा। और भाई जो मैं बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो मसल बैंड से यार भाई इसकी जो बेसिक अटैक की पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी के साथ में जो स्पेकलेस से यार, उससे यहाँ पे इसके क्रिट बढ़ते हैं, जो तीसरा अपना बेसिक अटैक पड़ता है ना, उसका क्रिट डैमेज बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे पाओगे आप।
और आप चाहो तो यार यहाँ पर जो अपना बड़ी बैरियर है उसकी जगह स्कोर शील्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम सोलो खेल रहे हो तो यहाँ पे गोल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर तुम गोल कटर और स्कोर शील्ड का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी की ज़रूरत उतनी पड़ती नहीं है। तुम वैसे भी ग्रेनिंजा का यूज़ ज़्यादातर स्टील के लिए ही करोगे। अब यहाँ पे भाई ये मेरे ऊपर यूनाइट चला देता है, तो इस बार मैं बिल्कुल भी यूनाइट नहीं छोड़ने वाला था, और मैं भी यूनाइट चला देता हूँ और इसी के साथ मैं सिलेंडर को मार देता हूँ। अब यार मेरे यूनाइट यहाँ पे चला गया था, और उसी के साथ में यहाँ पे अभी ड्रेनो भी आने वाला था, तो मैं जल्दी जल्दी से फार्म कर लेता हूँ कि मेरा यूनाइट थोड़ा बहुत तो यहाँ पर रिकवर हो जाए। और अब यहाँ पे बिल्कुल टाइम हो चुका था, तो मैं जल्दी से फार्म करके वापस से नीचे चला जाता हूँ। अब भैया यहाँ पे ड्रेनो पे कोई भी बंदा नहीं आया था, तो जल्दी से हम यार ड्रेनो ले लेते हैं। तो देखो यार बेसिक अटैक का क्या ही डैमेज पड़ा भाई, और इसी के साथ में सर्फ यूज़ किया और भाई यहाँ पे अपना ड्रेनो आ चुका था। अब ऊपर वाले बंदा ने यार यहाँ पे रोटम मार दिया था, मतलब यार सामने वाले बंदे काफ़ी अच्छा तगड़ा खेल रहे थे, और नीचे वाले भी देखो यार मतलब उनके दो बंदे नीचे ऊपर रोटम मार रहे, वो स्कोर स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं कि भाई ऊपर रोटम पुश करो और नीचे से भाई स्कोर करो। यहाँ ने काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था यहाँ पे एनिमीज का भी। अब यहाँ पे मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी थी, और यहाँ पे भाई रोटम को मैंने काफ़ी डैमेज दे दिया था, तो मैं अपनी बेस पे जाता हूँ और उसी के साथ में गोल डिफेंड करने के लिए मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे यार चारजोर था, और चारजोर जहाँ से भाग रहा था, और तभी यार यहाँ पे बीच में मुझे दिख जाता है मतलब वेनासुर, तब मैं वेनासुर के पीछे यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसका पीछे करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वेनासोर या पिटल डांस से काफ़ी आगे निकल जाता है। अब यार इसके पीछे जरूरा पड़ चुका था, और ये भाई देखो स्कोर भी कर देता है। अब इसके पास ज़्यादा स्कोर नहीं था इसलिए इसने स्कोर कर दिया, लेकिन भाई यहाँ पे ये मर गया। और अगर तुम मतलब ज़्यादा लेवल अप वाले बंदों को मारते हो ना कभी भी गेम में, तो तुम्हारा लेवल अप ज़्यादा होता है। अगर तुम सामने वाले के जंगलर को मार देते हो तो तुम्हें ज़्यादा लेवल अप मिलता है, तो भाई जितने बंदों को तुम मारोगे ना उससे भी लेवल अप होता है, और जितना ज़्यादा लेवल वाले बंदों को मारोगे उतना ज़्यादा लेवल अप होगा। अब भैया यहाँ पे वापस से मेरा जंगल आ चुका था, मैंने सोचा चलो जल्दी से फार्म कर लेते हैं और लेवल अप कर लेते, क्योंकि अभी मेरा यूनाइट आने वाला था जस्ट। तो भाई यहाँ पे मैं फार्म कर रहा था, और यहाँ पे सर्फ यूज़ करके भाई जल्दी से अपन ने ले लिया, और तभी यार मेरे को ऊपर जरूर फाइट करते हुए नज़र आता है। मैंने सोचा यार वहाँ पे एक ही गेंगार है, ये लोग उनको मार देंगे, लेकिन मेरे को वहाँ पे दो बंदे दिख जाते हैं, तो मैंने सोचा अब अपने को जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई ये लोग अब अपने ही फार्म में घुस रहे हैं, तो भाई ये घर में घुस के मारने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब ये भाई सब मार खाने वाले। और ये देखो भाई सर्फ यूज़ किया, एक और सर्फ यूज़ किया, और एक और सर्फ यूज़ किया, भाई तीनों बंदे ख़त्म। अब भैया यहाँ पे सर्फ प्लस आ चुका था, यानी मेरे को दो सर्फ मिलने वाले थे, तो इस वजह से मैंने दो बार यहाँ पे चलाया बिना रीसेट के। और यहाँ पे उनका वेनासोर ने यहाँ पे भाई पॉइंट डाल दिए थे नीचे की तरफ, तो इधर देखो यहाँ पे इनका मतलब जो सिंड्रेस है वो भी पॉइंट डाल रहा था, मतलब यार ये लोग है ना बहुत ही ध्यान से खेल रहे थे। ये एक बंदा इनका ऊपर से ध्यान भटका रहा था, और नीचे का बंदा यहाँ पे स्कोर करने में लग रहा था, लेकिन मेरे को पता था कि लास्ट में जो जेबडोस लेगा वही जीतेगा, और यहाँ पे लेवल अप करना जरूरी है। अब देखो जेबडोस से पहले मैंने यहाँ पे 14 लेवल कर लिया था, जो कि मेरे लिए अच्छा था, और तभी यहाँ पे सिंड्रेस आ जाता है, और अब भाई सिंड्रेस यहाँ से जिंदा जाने वाला नहीं था, और सिंड्रेस को भी यहाँ पे पकड़ लेते, और भाई इसी के साथ में सिंड्रेस को भी ख़त्म कर दिया। और अब यहाँ पे ड्रेनो भाई जो था वो यहाँ पे गेंगा लेने ही वाला था लास्ट टाइम पे, तो देखो अब मैं देखो कैसे मारता हूँ। और ये भाई इसको ड्रेनो को मारा सर्फ यूज़ करके, और इसी के साथ में गेंगार को भी मार दिया। और यहाँ पे एनिमी के तीन बंदे मरे हुए थे, दो बंदे अभी मतलब कूलडाउन का चल ही रहा था, तो मैंने सोचा यही टाइम है सही टाइम भाई जल्दी से अपन जेबडोस मार देते हैं, वरना भाई कोई ना कोई बाद में स्टिल कर सकता है। तो जल्दी से यार मैं यहाँ पे भाई मारने लग जाता हूँ, और यहाँ पे अपना टेलन फ्लेम भी आ जाता है, और यहाँ पे मैंने सर्फ यूज़ करके थोड़ा बहुत डैमेज दिया। और अब यहाँ पे मैं यूनाइट चला देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कोई भी यहाँ पे स्टिल कर सकता है, और उसी के साथ में यहाँ पे मैं स्टिल कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे लास्ट टाइम पे पायरो बॉल मारी थी सिंड्रेस ने, अगर यहाँ पे मैं यूनाइट नहीं चलाता तो भाई वो पायरो बॉल से स्टिल कर ही लेता, लेकिन मैंने यहाँ पे मतलब श्योर करने के लिए पहले यूनाइट चला दिया था, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई बंदा यहाँ पे स्टिल कर सकता है, और अपन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो अगर यूनाइट है तो भाई जेबडोस में मार दिया करो, क्योंकि अगर जेबडोस आ गया तो वैसे ही तुम जीत रहे हो भाई, यूनाइट का करोगे क्या। तो भाई लोग अगर आप यहाँ पे एक स्टीलर हो तो भाई जरूर से यूनाइट चला के जेबडोस कंफर्म किया करो, क्योंकि कोई भी यार तुम्हारा जेबडोस यहाँ पे स्टील कर सकता है। अब यार ये गोल गटर का यूज़ कर रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी इनको स्कोर नहीं करने दिया, और गार्डचोम को भी देखो यहाँ पे सर्फ से मार देता हूँ, तो भाई सर्फ कितना ज़्यादा ओपी है भाई तुम देख सकते हो। अब ग्रेनिंजा का जो पहले यार भाई निंजा स्टार था वो भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यार भाई वो जो रहता है ना यार वो हेल्थ को रिस्टोर करता है, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन्होंने जो ग्रेनिंजा को नर्फ करा है उसकी वजह से यहाँ पे क्लोज का डैमेज बढ़ा के ही आप यहाँ पे खेल सकते हो। तो यहाँ पे देखो काफ़ी बंदों को हमने मार दिया, और किसी को भी स्कोर नहीं करने दिया, तो उन्होंने यहाँ पे सरेंडर ही कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्कोर यहाँ पे कर दिया था। तो भैया यहाँ पे मैंने देखो 13 किल किए थे भाई, और वो भी मास्टर रैंक में। अभी लास्ट में तुम्हें यार यहाँ पे रैंक भी दिखा दूंगा, वरना कुछ लोग बोलेंगे भाई बोट लोबी है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो सामने वाले ने काफ़ी अच्छे से डोमिनेट किया था, और उनका गेंगार सही में बहुत अच्छा खेला था। तो यार इसी के साथ
साथ में यार ये गेम हम जीत जाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।